Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी agriculture optional answer writing practice series है उसके next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is, give a brief description of plasma membrane's structure and its function. तो plasma membrane का structure और function के बारे में discuss करना हूँ. Structure में ऐसे मैंने mention नहीं किया पर वहाँ question में mention था well labeled diagram. With well level diagram, मतलब हमें diagram बना के बताना था, ठीक है? So let's see how we approach this answer. And this question was asked in IFS. IFS का जो 2023 का पेपर था एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, उसके अगर पेपर टू का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो यही था. वो आज मैं डिस्कस करने वाला, कुछ दिन अब हम लोग इसका पेपर टू ही डिस्कस करेंगे. IFS 2023 का जो पेपर टू में क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं. और ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, जितने भी राइबोसोम, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है? जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं आप सबको अच्छे से देख लेना, उनके फंक्शन स्ट्रक्चर सब देख लेना, क्योंकि यूपीएससी हर बार कोई ना कोई सेल ऑर्गेनेल्स पूछ ही लेती है. उसके बाद सेल थ्योरी देख लेना, ठीक है? स्ट्रक्चर जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स वगैरह हैं वो सब देख लेना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल वगैरह जो जो भी है. और मैंने ये प्रीवियस आंसर में सब कराया हुआ भी है, तो यू कैन रेफर इट देयर आल्सो, प्लाज्मा मॉडल्स वगैरह. तो ये सारी चीज आप देख लेना, फंक्शन स्ट्रक्चर सेल थ्योरी वगैरह, ये सारी चीज जो कॉमन है वो सेल से पूछते हैं, ठीक है? सेल साइकिल देख लेना. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स. ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सेल से. बस वो ये कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए, आपको सारी चीजें आनी चाहिए. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर, कैसे इस आंसर को हम लोग अप्रोच करते हैं. तो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? वी ऑल नो दैट इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल. अगर ये एनिमल सेल है तो इसका जो आउटर कवरिंग है दिस इज नॉन एट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर ये प्लांट सेल है तो जो सेल वाल हो गया आपका ऊपर वाला पार्ट, और सेल वाल के अंदर जो ये वाला पार्ट है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? जस्ट एग्जांपल में समझा रहा हूँ. तो जो भी आउटर कवरिंग होता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो लेट्स सी अब इसका क्या स्ट्रक्चर देख लेते हैं, विच वेल लेवल डायग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था. तो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप सब जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर है. ये देखिए यहाँ पे दो लेयर आपको दिखेंगे, ये रहा एक लेयर. अगर आप इसको अच्छे से मेंशन करोगे तो ऐसे दिखेगा आपको, दिस इज वन लेयर एंड दिस इज वन लेयर. तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है. ड्रॉइंग ऐसे ही है, तो मैंने एक इमेज लिया हुआ, पर आप ड्रॉ करना तो ऐसे ही ड्रॉ करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम. आइए देखो, ये जो इसको अटैच्ड, दिस इज ग्लाइकोलिपिड दैट इज लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट, और ये प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट रहता है, इट इज नोन एज ग्लाइको प्रोटीन. दिस इज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन. ये जो आपको ये दिख रहा होगा फिलामेंट्स, ये सब साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स बोलते हैं. These are integral membrane proteins. Integral membrane इसलिए क्योंकि ये membrane के अंदर ही है, ठीक है? Membrane के अंदर embedded है. Peripheral that is ये membrane के बाहर, अगर आप अच्छे से देखो तो ये periphery में है, ये membrane के अंदर embedded नहीं है. ये सारे जो चीज देखने को protein channels बोलते हैं, अच्छे mention किए. These are known as protein channels. तो अब channel जैसा आपको दिख रहा होगा. These are cholesterols. So these are the common things you have to label in plasma membrane. और ये एक well labeled diagram रहा, इसको आप बना करके अच्छे से थोड़ी सी describe कर देना in your words to enhance your answer. So इसमें कुछ खास करने की जरूरत है, हम diagram देख लो. You all know what plasma membrane is. और ज़्यादा detail में देखना तो आप statics videos देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सबको सारे और सारे के functions इसे discuss किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो. अब देखते हैं हम लोग functions of plasma membrane. Plasma membrane के क्या क्या functions है. So first of all, it keeps the cell intact. सेल को इंटैक्ट रखता है, ठीक है, इन प्रॉपर स्ट्रक्चर. सेकेंडली प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है. वी ऑल नो कि आउटर लेयर है, तो ये जो बैरियर होता है सेल के अंदर के ऑर्गेनेल का, वो एक्ट करता है. दिस बैरियर इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट्स रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ सेल. Transport in and out of cell, that is
सेल के अंदर क्या चीज जाएंगे, सेल के अंदर क्या क्या चीज सेल से बाहर आएंगे, तो उनको वो रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये क्या सेमी परमिएबल इन नेचर है, जिसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी करते हैं, ठीक। That is कि कुछ आइटम्स फ्रीली पास कर सकते हैं, कुछ आइटम्स में कुछ हद तक रोक है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये फ्रीली परमिएबल नहीं, सेलेक्टिवली परमिएबल, हर जो भी जितने भी चीज है उनको पास होने के लिए कुछ ना कुछ उसमें हिंड्रेंस लगेगा, कुछ फ्रीली है कुछ हिंड्रेंस के साथ पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो भी हमारा स्मॉल लिपिड, इसी के पॉइंट, इसी का सब पॉइंट बना दो इसको, जो भी स्मॉल लिपिड सोल्यूबल मोलिक्यूल्स हो गया, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन दीज कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दीज कैन पास इजली। तो ये सब क्या है, ये सब इजली पास कर सकते हैं। फिर वही अगर हमारा वाटर हो गया, इट कैन पास फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, really। उसके बाद अगर आप जैसे आयंस हो गए, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है, जो आयंस हो गए, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, दे कैन नॉट क्रॉस विदाउट असिस्टेंस, इतना फ्रीली ये पास नहीं कर पाते, दे कैन क्रॉस बट विद असिस्टेंट, कांट क्रॉस विदाउट असिस्टेंस, बिना असिस्टेंस के ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर फ्रीली क्रॉस कर जा रहा है, ये दिस कैन नॉट इजीली क्रॉस विदाउट असिस्टेंस। अदर फंक्शंस में देखो आप तो इट अलाउज सेल रिकॉग्निशन, प्रोवाइड्स एंकरिंग साइट्स फॉर फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, सब कॉमन है, कुछ चाहते मैं बता नहीं रहा, पांच लिख देना। 8 मार्क्स की ये क्वेश्चन पूछी गई थी, 8 मार्क्स, तो 150 वर्ड्स अराउंड लिख दोगे, 150 वर्ड्स दैट विल बी इनफ अगर आप आईओएफएस की तैयारी कर रहे हो, और एक 10 मार्क्स में 150 वर्ड्स आप लेके चलो। एंकरिंग साइट्स फॉर फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, जो हमने साइटोस्केलेटन देखा था, ये साइटोस्केलेटन इसके फिलामेंट्स के लिए एंकरिंग साइट ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्केलेटन, साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स ए बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम्स, प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम्स, जो भी एंजाइम्स है वो बाइंड कर सकते हैं, उनको बाइंडिंग साइट से प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इंटरलॉकिंग सर्फेसेस बाइंड टुगेदर, जो भी इंटरलॉकिंग सर्फेसेस हैं वो कहाँ बाइंड टुगेदर, वो कहाँ पे मिलते हैं, एट जंक्शंस बाइंड टुगेदर, जहां पे वो बाइंड करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन, ध्यान रखना। कंटेन्स द साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर ही रहता है, अगर आप सेल देखो तो न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर की दिस इज नॉट अ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म को ये अंदर में अच्छे से प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर रखता है। तो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स, आप इसमें से 5-6 लिख देना, कोई भी ऊपर वाले तो काफी इजी है कि सेल्स इंटैक्ट, प्रोटेक्टिव बैरियर, ट्रांसपोर्ट, कॉन्टेंट, साइटोप्लाज्म, सब 4-5 इजी पॉइंट्स आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड करके लिख देना। तो आई होप आपको जो भी इस क्वेश्चन में समझना था कि स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन आप अच्छे से समझ गए होगा, उसको अपने वर्ड्स में आप अच्छे से अपने आंसर्स में लिख देना। सो दैट इज ऑल फॉर टूडे, प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे से वीडियोस को बनाने में काफी हार्ड वर्क लगता है, पर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें, सो दैट वी कैन मेक दिस वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।